कर्नाटक मिला, अब राजस्थान का किला। कर्नाटक में बीजेपी की जीत का असर सीधे तौर पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग स्थिति थी। इस हार का असर ये हुआ था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को इस्तीफा देना पड़ा था और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे चला गया था। पर कर्नाटक की जीत ने पार्टी को संजीवनी दे दी। पहले से ही हमको सबको मालूम था और मैं जानती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इतने तो काबिल हैं दोनों के दोनों, और इतनी अच्छी लीडरशिप जब है तो रिजल्ट तो जो आपके सामने आ रहा है वो तो होना ही था। आपने देखा होगा हम लोग कोई एजिटेटेड कभी रहे भी नहीं, क्योंकि किसी ने हमसे कहा ऊपर जाएगा, किसी ने कहा नीचे जाएगा। हम लोगों ने सबसे कहा कि आखिर रिजल्ट देख लेना, जीत के ही आएंगे। और इसीलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को तो कहती हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाई है, बहुत अच्छा काम देखने को मिला है, रिजल्ट तो मैं समझती हूँ कि अनुकूल ही रहेगा। कर्नाटक में बाजी मारी, अब राजस्थान की बारी। कर्नाटक चुनाव का सीधा असर राजस्थान में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। कर्नाटक की जीत ने राजस्थान बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। राजस्थान उपचुनाव में हार से खोए मनोबल को बीजेपी ने वापस पाया। वहीं कर्नाटक की हार राजस्थान कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। राजस्थान में अपनी रणनीति पर अब कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा। कर्नाटक की जीत के फॉर्मूले को राजस्थान में भी लागू करने की कोशिश करेगी बीजेपी। राजस्थान में सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी कम होगी। इस जीत ने जहां पीएम मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी को एक बार फिर साबित किया, तो वहीं राजस्थान और कर्नाटक की समानता यहां भी उसी फॉर्मूले के आसपास का तरीका अपनाने को पार्टी को प्रेरित कर रहा है। राजस्थान के लिए बीजेपी की कर्नाटक फतह के मायने। राजस्थान में भी बीजेपी का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंचा। पार्टी कैडर दोगुने जोश के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरेगा। अब राज्य में सत्ता विरोधी लहर मंद पड़ जाएगी। स्थानीय मुद्दे और आक्रामक चुनाव प्रचार फिर से जीत का फॉर्मूला बना। कर्नाटक की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस मुख्य चुनावी दल। ऐसे में जीत का फॉर्मूला बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। कर्नाटक 21वां राज्य होगा जो पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बुलंद करेगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि अपने जीत के रथ को बरकरार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो कर्नाटक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। कर्नाटक वासियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बीजेपी कांग्रेस जेडीएस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ट्रेंड्स जो बता रहे हैं, बीजेपी सबसे आगे बढ़त बनाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि नतीजों में अब ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इन ट्रेंड्स को देखते हुए लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, देखते हैं। भाजपा का परचम ले रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए एक तरफा लहर चली है। आने वाले चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब दूर भगवा फहराएगा। कर्नाटक हमारे लिए सेमीफाइनल था जो हम जीत चुके हैं। फाइनल तो हम इसी में जीतेंगे, जो सेमीफाइनल में जो हम फाइट कर गए तो फाइनल में तो भाई हमको रोकने। कांग्रेस का गढ़ फतेह करके कर्नाटक में जो विजय हासिल कर रही है मोदी सरकार ने, और जो कर दिखाया है कि हर जगह मोदी जी हैं, उनके निश्चय अटल इरादे हैं और उनके इरादे में वो हमेशा कामयाब हुए हैं, और 2018 में भी हम कामयाब होंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए बड़ी मजेदार स्थिति बन रही है। मैं थोड़ा सा टैली की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर से ले जाना चाहूंगा। 109 सीटों पर बीजेपी आगे, 73 सीटों पर कांग्रेस है, 38 सीटों पर जेडीएस है, 2 सीटों पर अदर्स है। अब 109 प्लस 2 करते हैं तो 111 होता है, जो बहुमत से एक कम है। और अगर 73 प्लस 38 करते हैं तो ये मिलकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं दूध में नींबू निचोड़ा जा सकता है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कहीं खेल ना हो जाए। मैं मदन राठौड़ साहब आपके पास में आ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो हाथ तो आया मुंह ना लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए जो स्थिति आपके इस चैनल पर मैं देख रहा हूं, 109 पर बीजेपी आप दिखा रहे हैं, अभी परिणाम पूरे आने बाकी हैं। निश्चित रूप से हम तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में हैं कि पूर्ण बहुमत हम प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। ठीक है, उसमें यदि जैसा आपने अभी जो पूछा कि यही स्थिति रहती है तो क्या होगा,
तो हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, निश्चित रूप से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अवसर मिलता है और हम सरकार बनाएंगे और सदन के अंदर हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में हमारा राज होगा। ठीक है, सुरेश चौधरी साहब, अब आपको कोई आशा की किरण दिख रही है क्या इन रुझानों से कि जेडीएस को आप मुख्यमंत्री पद देते हैं? और नहीं राहुल जी, ये ऊपर नीचे कर लें कुछ। राहुल जी मैं एक बात तो ये कहूं कि इन्होंने चाहे हमारे विधायक ज्यादा हो, राज तो इनको बनाना है, क्योंकि इनके पास सीबीआई है, ईडी है। अच्छा, अभी मान चुके हैं, अच्छी बात है। जो आतंक है, अच्छा हिटलर है, ये तो हिटलर की भाषा में बात कर रहे हैं ना, हिटलर की भाषा में बात कर रहे हैं। अभी जैसे इनके तीन नीचे आए तो इनकी थोड़ी सी भाषा सुधरी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं राहुल जी कि मैं ऐसा आदमी हूं कि हमसे यही परिणाम रहता है तो हमसे भूल हुई है, हम हमारी बात को जनता को नहीं समझा पाए। हाँ, जनता भी कह रही है सुरेश जी, निर्णय स्वीकार करना चाहिए जो मैं करता हूँ, अगर यही परिणाम हुआ तो। हाँ, जनता भी सुरेश जी कह रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और रहा क्या, कोई टक्कर में नहीं है, चक्कर में क्यों पड़ गया? हेलो, क्या क्या बोला मैम? कार्यकर्ता जो है ना वो कह रहे हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं है, कांग्रेस पता नहीं चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। नहीं, कोई चक्कर में नहीं है कांग्रेस, तो मैं कह रहा हूं कि अब जो आना है कांग्रेस का, तो जो राज जाना था चला गया, अब आगे वाले तीनों चुनाव में बीजेपी है, निर्णय अब होगा। अब बीजेपी इनको स्थिति बरकरार रख पाती है नहीं पाती है? अभी तो राहुल जी आप ठीक कह रहे थे, आज जो संसदीय दल की बैठक होनी है और उस बैठक में राजस्थान के अध्यक्ष का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, मुख्यमंत्री जी झालावाड़ पहुंच चुकी हैं, वो वहां से आएंगी कि नहीं आएंगी ये संसदीय दल बताएगा। अब ये आप अभी राहुल जी का हमारे बहुत बड़ी बात, मदन राठौड़ साहब कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद ये बहुत बड़ा कमेंट है। ठीक है, मदन राठौड़ साहब से सफाई लेता हूँ मैं, मदन राठौड़ साहब ये बहुत बड़ी बात कही है चौधरी साहब ने। हाँ, राठौड़ साहब अध्यक्ष आता है और पुराना अध्यक्ष बनता है, वो मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात की है, राठौड़ साहब सुन लेते हैं जी। नहीं, चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं ये देखिए, कहीं अपने गिरेबान में तो झांक के देखते नहीं है इन, ये हमेशा दूसरे के घर में देखते हैं। तो आप बता दो, आपका अध्यक्ष है क्या? हमारा अध्यक्ष राठौड़ जी, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, राहुल जी हम दोनों पूछ रहे हैं, आपका अध्यक्ष है क्या? देखिए, हमको सीट है क्या? अध्यक्ष जी बैठे हैं क्या बीजेपी कार्यालय में? या आप घोषणा कर दो कि मुख्यमंत्री जी यही रहेंगे और अध्यक्ष ये होंगे। क्या होने वाला है क्या नहीं है ये हमको पता है ना, घोषणा कर रहे हैं। सुरेश चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी, राठौड़ साहब बातें कर रहे हैं, सुरेश चौधरी साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी, उन्होंने तो कहा कि नेतृत्व क्यों परिवर्तित होने वाला है। राठौड़ साहब आपके घर में नहीं घुस रहा, राठौड़ साहब चौधरी साहब तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, चिंता करो, घर किसका बिखरता है, हमारा नेतृत्व है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये कॉन्फिडेंस चौधरी साहब की पार्टी का बहुत अच्छा, हजार चुनाव हारेंगे लेकिन नेतृत्व को लेकर एक सवाल नहीं पूछे। राठौड़ साहब, राहुल गांधी नाम एक ही होगा, राहुल गांधी। ठीक है राठौड़ साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो चौधरी साहब ने कहा बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, तो पूरे नेतृत्व को लेकर, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने कहा कि आज शाम को कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, क्या ऐसा है क्या राठौड़ साहब? देखिए, इनको हमेशा ये बना रहता है कि हम में कुछ हो जाए, ये इसी के भरोसे जिंदा रहना चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 24 घंटे राहुल गांधी का चालीसा पढ़ते रहते हैं, जो भी हमारे शिष्य नेतृत्व का चालीसा पढ़ते रहते हैं, हमारे शिष्य नेतृत्व को बोलते रहते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, आपकी दो सीट थी तो भी विपक्ष की भूमिका हमने निभाई। पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी मैदान में उतर के आगे से लीड करके काम करते हैं। कांग्रेस के लीडर के बारे में क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए, 15 उपाध्यक्ष बनने के बाद उनका 15वां सीधी हार है और अध्यक्ष बनने के बाद तीसरी सीधी हार है। अब अपने आप को प्रधानमंत्री भी वो घोषित कर चुके हैं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं आने वाले चुनाव के अंदर। अब विपक्ष सारा इकट्ठा होना चाहता है, जितने भी हमारे लिए भी ये ठीक है कि इस देश के अंदर जितनी भी गंदगी है वो एक साथ हटे, और अगर वो सब चाहते हैं कि राहुल जी उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने तो वो उनको स्वीकार। राहुल गांधी लकी हैं आप।
तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे, जो कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। इनका कद बढ़ा दिया गया है। राजस्थान को एक कम से कम पूर्ण रूप से कैबिनेट मंत्री भी मिला है और एक बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आई है। लेकिन उन्होंने ये चीज, हालांकि इस सवाल को टाल दिया थोड़ा सा जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी के आपके लिए, मैं राठौड़ साहब आपसे पूछ लेता हूं, राहुल गांधी लकी है क्या आपके लिए? हाँ, मैं भी वही पूछने वाली थी कि बीजेपी की जीत में कितनी अहम भूमिका रही राहुल गांधी की। लकी अपने आप हो रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं उसका फायदा निश्चित रूप से विपक्ष को मिले, हमको मिलेगा ही मिलेगा। वो बचकाना हरकतें करते जा रहे हैं, बचपना दिखा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं और वो क्या क्या बोल देते हैं ये उनका परिवार का मामला है। लेकिन हम सुदृढ़ हैं, हमारी नीतियां सही है, हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, हमने राजस्थान में और हमारी जहां जहां सरकार बनी है वहां हमने अपने पैर मजबूत किए हैं, हमने जनता की सेवा की है और जनता की सेवा के आधार पर हम फिर से सत्ता में आएंगे, हम आशीर्वाद जनता का प्राप्त करेंगे, जनता का दिल जीतने में हम लगे हुए हैं, हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम सक्षम हैं, हम करेंगे। वसुंधरा जी नेतृत्व कर रही है, सही नेतृत्व दे रही है, सही तरीके से करेगी, हाँ आगे करेगी, निश्चित रूप से करेगी। हम फिर से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम एक नहीं, आप बार बार, आप चौधरी साहब बार बार एक सवाल बड़े बड़े जोर देकर के पूछ रहे हैं, वापस करेंगे क्या, वापस कर, मैं राजीव जी बड़ी देर से इंतजार कर, राजीव जी ये क्या सवाल बार बार चौधरी साहब इस पर बड़ा जोर देकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झालावाड़ में और वापस आगे करेंगे, ये संशय की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और क्या कोई सोचने की वजह है क्या, कर्नाटक चुनाव के बाद कोई ऐसा सोचे जो चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं? चौधरी साहब की और राठौड़ साहब की जो एक दोनों में संशय की स्थिति इसलिए बन रही है कि पूरे राजस्थान में एक धारणा बन चुकी है, जब से इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है एक महीने से और जब ये लोकसभा के उपचुनाव आ रहे हैं उसके बाद एक पूरे राजस्थान में अलग तरीके की सरकार और भाजपा को लेकर छवि है और धारणा ऐसी बनती जा रही है कि अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री की पसंद का होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों को लेकर जो चौधरी साहब सवाल उठा रहे हैं तो राठौड़ साहब उससे बच रहे हैं कहीं ना कहीं। और नहीं, मैं बच नहीं रहा, मैं साफ कह रहा हूं कि हम संगठित हैं, और हो बिना अध्यक्ष, बिना अध्यक्ष के आएगा ना, अध्यक्ष भी तो बिना अध्यक्ष के संगठित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना अध्यक्ष के राठौड़ साहब। आप मदन जी, अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दीजिए ना, इतना लंबा समय थोड़ी लगता है, चुनाव सिर पर है। ठीक है, राजीव जैन जी मेरे साथ लगातार बने हुए जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों लड़िए नहीं प्लीज, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप दोनों लड़िए नहीं प्लीज, अध्यक्ष सचिन पायलट जी बात करते हो, हमारे अध्यक्ष सचिन पायलट जी है, जो हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हमारे राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट राजस्थान के रामेश्वर टोपी जी नेता प्रतिपक्ष के पास, हमारा विजन क्लियर है, हमारा विजन क्लियर, लेकिन आप बिना अध्यक्ष के संगठित है ये बात सोचने का आश्चर्य है। हमारा सामूहिक नेतृत्व है, काय का सामूहिक नेतृत्व है, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी धोखा निर्णय, कोई सामूहिक निर्णय नहीं, हिटलर शाही है आपकी पार्टी में, प्रजातंत्र का सम्मान नहीं है आपकी पार्टी में, विपक्ष का सम्मान नहीं है आपकी पार्टी में, आपके गरीब का सम्मान नहीं है आपकी पार्टी में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में, गरीब कुचला जा रहा है आपकी पार्टी में। अच्छा ठीक है, मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुनिए आपने, अच्छा ठीक है सुनिए, हो गया हो गया, राठौड़ साहब हो गया, चौधरी साहब हो गया, अरे मैं और कमाल की चीज बता रहा हूँ, अरे सुनिए तो सही, मैं किसने संप्रदाय बनाने की, अच्छा ठीक है, समाज को तोड़ने, अरे राठौड़ साहब बहुत मजा आएगा आपको ये सुनने में, अरे राठौड़ साहब बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, काम की बात सुनिए, काम की बात सुनिए चौधरी साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेके।